एवरीवन, मैं राधा, मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोयाबीन की बड़ी और पनीर की सब्जी बनाएंगे। हमने एक कटोरी सोयाबीन बड़ी ली हुई है, इसे बॉईल पानी में भिगो देंगे। 5 मिनट तक हमने सोयाबीन की बड़ी को बॉईल पानी में भिगो दिया था। अब हमारी बड़ी हो चुकी है। अब हम इसे हाथों से निचोड़ के पानी निकाल लेंगे। अब हम सोयाबीन बड़ी को फ्राई करेंगे। हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें बड़ी ऐड करेंगे। हमें इसे ऐसे ही हिलाते हुए ब्राउन फ्राई करना है। हमारी सोयाबीन की बड़ी फ्राई हो चुकी है ब्राउन। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम पनीर को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। हमने सोयाबीन की बड़ी को फ्राई कर लिया है। अब हम उसकी सब्जी बनाएंगे। हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे। प्याज लहसुन का मसाला पेस्ट पहले ही बना लिया था। इसमें 2 प्याज है, लहसुन है, अदरक है, 2 हरी मिर्ची है, इन्हें भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम मसाले में 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाले में से ऑयल निकल रहा है, मतलब हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिला देंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें बड़ी ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब
हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो हमारी सोयाबीन बड़ी सब्जी बनकर रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनकर रेडी है, आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।